पितृपक्ष में क्या करने से होता है पितरों का मोक्ष एवं कौन सा अनुष्ठान करने से होती है पितरों की सद्धति, आइए जानते हैं आचार्य राजेंद्र तिवारी शास्त्री राजगढ़ झांसी वालों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी, श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता एवं ज्योतिष अनुष्ठान विशेषज्ञ। आइए हम लोग चर्चा करते हैं पितृपक्ष के विषय पर। शास्त्रों की मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का यजन एवं पितरों की शांति के लिए, पितरों की आत्मा की सदगति के लिए, मोक्ष के लिए एवं उनको सुख के लिए 12 महीनों में से यह 16 दिन दिए गए हैं, जिन्हें हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। महाभारत काल के दौरान कर्ण की जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद में कर्ण को स्वर्ग भेजा गया। वहाँ उसे स्वर्ण दान उसने जीवन में बहुत किया था, जिसकी वजह से उसे खाने के लिए सोना इत्यादि दिया गया। तो कर्ण ने पुनः जब धर्मराज से कहा गया कि प्रभु मुझे पुनः यहाँ भेजा जाए मृत्यु लोक में और मैं कुछ कर सकूँ, तो कर्ण को पुनः इस धराधाम पर आना पड़ा। 15 दिन रह करके कर्ण ने ब्राह्मणों को, गाय को एवं कन्याओं को नाना प्रकार से भोजन कराया, इसलिए इनको बुंदेलखंड की भाषा में करय दिन भी कहते हैं, कर्ण के द्वारा दिए गए दिन, जिन्हें शास्त्र पितृपक्ष कहा जाता है। इसलिए पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ, पितृ गायत्री जैसे अनुष्ठान आप लोग करते करवाते हैं, आपके पितरों के लिए विशेष और श्रेष्ठ रहते हैं। तारीख 29/9/2023 से 14/10/2023 तक पितृपक्ष है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।